गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था अपना, यहाँ तक हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सडनली लॉर्ड यम द गॉड ऑफ डेथ अराइव। ही कॉट द सोल ऑफ सत्यवान विद हिज नोज एंड हेड टुवर्ड्स हिज किंगडम। अचानक लॉर्ड यम आए और बोन मृत्यु के देवता, और वो सत्यवान को पकड़ के लेके चले गए, रस्सी पे बांध के लेके उसे अपने किंगडम की तरफ लेके चले गए। सावित्री रोज एंड स्टार्टर आफ्टर यामा यम ऑब्जेक्टेड। सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी तो यम ने कहा, यू कैन नॉट फॉलो मी टू द लैंड ऑफ द डेड। तुम मेरे को फॉलो नहीं कर सकती, जहाँ पे मृत्यु की जमीन है वहाँ तो मुझे तुम फॉलो नहीं कर सकती। सावित्री रिप्लाइड, लॉर्ड यम, आई नो यू आर डूइंग योर ड्यूटी ऑफ टेकिंग अवे माई हस्बैंड, बट माई ड्यूटी एज हिज वाइफ इज टू स्टे बिसाइड हिम। उसने बोला सावित्री ने कि मुझे पता है कि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो मेरे हस्बैंड को लेके जाके, और मैं भी अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ उनके साथ रह के। योर ड्यूटी इज ओवर बट आई एडमायर योर लॉयल्टी। आई विल ग्रांट यू एनीथिंग बट नॉट द लाइफ ऑफ योर हस्बैंड। उन्होंने बोला यम ने कि मैं तुम्हारी ड्यूटी की सराहना करता हूँ, मतलब मेरी ड्यूटी बहुत लॉयल है, और मैं तुम्हें कुछ मांगने के लिए कहता हूँ, तुम्हें जो मांगना मांगो, बट अपने हस्बैंड की जिंदगी नहीं मांगना, अपने हस्बैंड की लाइफ नहीं मांगना। सावित्री आस्क फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द किंगडम एंड साइट ऑफ हर फादर इन लॉ। उसने वापस मांगा अपने जो उसके ससुर थे, फादर इन लॉ, उनका राज उसने उनका वापस मांग लिया। यम वॉज पावरफुल, ही ग्रांटेड द विशेस एंड वंस अगेन हेड टूवर्ड साउथ थ्रू द रफ रोड्स ऑफ थॉर्न्स एंड डिचेस। वो यम बहुत ताकतवर था, उसने उसकी विश पूरी कर दी, और फिर जो पथरीली रास्ता थी, कांटो भरी जो रास्ता थी, उनमें चल के आगे जाने लगा। सावित्री कंटिन्यू टू फॉलो हिम। सावित्री उसको फॉलो करने लगी। यम सेड, सावित्री यू हैव कम फार एनफ, नाउ गो बैक। उसने बोला कि अब तुम बहुत दूर आ गई हो, बहुत दूर तक आ गई हो, अब तुम वापस जाओ। सावित्री सेड, लॉर्ड यम, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। उसने बोला सावित्री ने कि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। आई एडमायर योर डिवोशन, यम सेड। उसने बोला कि मैं तुम्हारी डिवोशन का एडमायर करता हूँ, सार मतलब बहुत, वो ये कहता है कि तुम यहाँ तक आई, मैं तुम्हें बहुत ब्रेव मान रहा हूँ, और तुम्हें जो भी मांगना है मुझसे मांग सकती हो। आई विल ग्रांट यू अनदर विश एक्सेप्ट द लाइफ ऑफ योर हस्बैंड। उसने बोला कि मैं तुम्हारी एक और विश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम अपने हस्बैंड की लाइफ मत मांगना। गिव मैनी चिल्ड्रन टू माई फादर, आई वॉज हिज ओनली चाइल्ड, सेड सावित्री एंड यम ग्रांटेड हर विश। सावित्री ने बोला कि मेरे फादर को बहुत सारे बच्चे दे दो, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इकलौती बच्ची हूँ। तो यम ने उनकी विश पूरी कर दी। देन ही बिगेन टू क्लाइम अ स्टीप हिल। व्हेन यम लुक बैक, ही सॉ सावित्री कमिंग अप द स्टीप हिल टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। वो पहाड़ की तरफ चढ़ने लगा ऊपर, और फिर उसने पीछे देखा, पीछे मुड़ के देखा कि सावित्री भी पीछे पीछे आ रही है, थकी हुई एकदम, और पीछे पीछे वो आ रही है, आती जा रही है। सावित्री, यम सेड इन अ लाउड वॉइस, आई फॉरबिड यू टू कम फार्दर, आई एम टेलिंग फॉर द लास्ट टाइम, यू हैव कम फार एनफ। उसने चिल्लाते हुए तेज आवाज में कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे पीछे पीछे मत आओ, मैं लास्ट टाइम तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम बहुत दूर तक आ गई हो, अब तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, चिल्ला के कहा यम ने। आई एडमायर योर करेज एंड योर फर्मनेस। उसने कहा कि मैं तुम्हारी जो एबिलिटी है उसको और कठोरता को सराहना करता हूँ। आई ग्रांट यू वन लास्ट फेवर, एनीथिंग बट नॉट द लाइफ ऑफ योर हस्बैंड। फिर उसने कहा कि मैं एक और तुम्हारा मतलब इच्छा पूरी करूँगा,
लेकिन तुम अपने हस्बैंड की लाइफ मत मांगना। सावित्री गॉट हर लास्ट चांस एंड सेड, लॉर्ड देन ग्रांट मी मैनी चिल्ड्रन एंड लेट देम बी द चिल्ड्रन ऑफ सत्यवान। उसकी ये लास्ट विश थी सावित्री की, तो उसने ये मांगा कि मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए और वो बच्चे किसके होने चाहिए, सत्यवान के। यम वो सरप्राइज बाय सावित्री विट एंड स्ट्रॉन्ग विल, वो सरप्राइज हो गया ये देखे कि सावित्री ने अपना दिमाग किस तरीके से चलाया। यू हैव नॉट आस्क फॉर योर हस्बैंड लाइफ, उसने बोला कि तुमने अपने हस्बैंड की लाइफ नहीं मांगी। येट आई कैन नॉट ग्रांट योर विश विदाउट रिलीजिंग सत्यवान, उसने बोला कि लेकिन मैं तुम्हारी ये विश सत्यवान को छोड़े बगैर पूरा भी नहीं कर सकता हूँ। यू हैव वॉन योर हस्बैंड लाइफ, उसने बोला कि तुमने अपने हस्बैंड की जिंदगी जीत ली। सावित्री फाउंड हरसेल्फ एट द सेम स्पॉट वेयर शी टुक हर डाइंग हस्बैंड्स हेड ऑन हर लैप, उसने अपने आप को वहीं पे पाया जहाँ पे वो अपने हस्बैंड को लेके गोदी में बैठी थी। सत्यवान वोक अप एंड सॉ सावित्री बोथ क्राइंग एंड स्माइलिंग, सत्यवान उठा और सावित्री और दोनों लोग रोने लगे और हंसने लगे। व्हेन ही आस्क्ड व्हाट हैपेंड, फिर सत्यवान ने बोला क्या हुआ, सावित्री सेड नथिंग लेट अस रिटर्न होम, उसने बोला कुछ नहीं चलो घर वापस चलते हैं। यम फुलफिल ऑल द सावित्री विशेस, मैनी ईयर्स लेटर सत्यवान बिकम द किंग एंड सावित्री द क्वीन, यम ने उसकी सारी सावित्री की सारी विशेस पूरी कर दी और बहुत साल बाद सत्यवान राजा बना और सावित्री रानी बनी। ओके बच्चों, अब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। वक्त में आपको वर्ड मीनिंग करने और डिफिकल्ट वर्ड्स में दूंगी वो आपको करने हैं। देखिए टिक द करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। द किंग लिव इन एंशियंट इंडिया, द किंग हैड अ सन, द किंग वर्शिप गॉड्स, कौन सी गलत है। द किंग हैड अ सन, ये स्टेटमेंट गलत है, किंग का बेटा नहीं था, उनकी तो बेटी थी। सावित्री वॉन्टेड टू मैरी सत्यवान बिकॉज, सावित्री सत्यवान से शादी क्यों करना चाहती थी, ही वॉज वर्चुअस, वो बहुत सच्चा इंसान था। द किंग रिक्वेस्टेड सावित्री टू चूज अनदर ग्रूम बिकॉज, किंग ने रिक्वेस्ट की सावित्री से कि दूसरा दूल्हा चुन लो क्योंकि ही वुड डाई इन वन ईयर, क्योंकि वो एक साल में मरने वाला था, तो इसमें आपको टिक लगाना है। सावित्री मैनेज टू गेट बैक द लाइफ ऑफ सत्यवान बाय आस्किंग टू ग्रांट द विश, उसने उसकी जिंदगी वापस ले ली, कैसी विश मांग के, गिव मैनी ग्रांट मी मैनी चिल्ड्रेन फ्रॉम सत्यवान, सत्यवान से मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए, इस तरीके से उसने अपने हस्बैंड की जिंदगी वापस मांग ली। व्हेन सत्यवान वोक अप ही सॉ सावित्री क्राइंग, शी वॉज क्राइंग बिकॉज, सत्यवान जब उठा तो उसने देखा सावित्री रो रही है, सावित्री इसलिए रो रही थी क्योंकि सत्यवान वॉज अलाइव, सत्यवान जिंदा हो गया था, इसलिए वो रो रही थी। तो बच्चों आपको ये टिक द करेक्ट और ये वर्ड मीनिंग, और मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स दूंगी वो आपको कॉपी में करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।